राजधनवार में धनवार थाना क्षेत्र के गर्जा सारण ग्राम में पेड़ से गिरी आम उठाने को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर खूनी संघर्ष। इस खूनी संघर्ष में 5 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि गर्जा सारण गांव में चल रही हवा के कारण आम पेड़ से जमीन पर गिरा तो एक पक्ष के एक बच्चे ने उस आम को उठा लिया, जिसे दूसरे पक्ष के लोग देख लिए और उस बच्चे से आम ले लिए। इसी के कारण दोनों पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। किसी का सर फूटा तो किसी की नाक में गंभीर चोटें आई तो किसी का दांत टूट गया। इस बात को लेकर एक पक्ष के अरविंद पंडित ने बताया कि 4 दिन पूर्व आम पेड़ से गिरा था, उसे विनोद भोक्ता के लोगों ने उठा लिया, जिसे अरविंद पंडित की मां ने उससे आम ले लिया था। 4 दिन बाद उक्त लोग बहाना बनाकर घर में घुसकर मारपीट किए। वही दूसरे पक्ष के विनोद राय ने बताया कि आम के पेड़ के पास से उनकी बच्ची ने आम उठाया तो उक्त लोग बच्ची से आम छीनने लगे, जब मना किए तो मारपीट करने लगे। इस बात को लेकर दोनों पक्षों ने धनवार थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इधर धनवार पुलिस दोनों पक्षों के आवेदन मिलने के बाद अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है। आम का लड़ाई था, मतलब अंदर तूफान आज 4-5 दिन जो पहले चला था अंदर, उस अंदर में एक आम गिरा था, तो वहाँ पे मेरी बीवी जो थी वो नहा रही थी, तो इसका घर का जो रमेश्वर भोक्ता उसका एक छोटी पोती थी, तो उसने आम उठाया रोड के बाहर, रोड पे मतलब, तो आम उठाया तो उसने बोला तुमने क्या लिया, तो उसने बोला आम पाया, तो उसने बोला कि मेरा आम दे दो तुम, उससे ले लिया आम। अब लेने के बाद आज 4-5 दिन के बाद आज उसने ये बात को झगड़ा किया, मेरी बीवी को मतलब बहुत सारा गालियाँ वो देने लगी वो लोग, रमेश्वर भोक्ता की बेटी जो थी उसने रेनू मसुमत में उसने गाली देने लगी और पूरा एकदम पूरा लाठी डंडा कुदार उदार पूरा निकाल दिया वो लोग मारने के लिए। एक छोटी बच्ची है, उसने एक मेरी आम गिरा हुआ था रोड पर, वही रोड पर आम उठाया वो, और इसने उस बच्ची को मतलब उठा के ले गया और हम इसको मतलब वहीं हम भी हैं सर, उसको पूछा कि आप लोग बम्बई से आए हैं, इसको मत छूए, कोरोना का ओथी है, इसको जो हम होगा आम का किराया वो हम देंगे, ठीक है, इसको मत छूए। इसी के पास में मरचाई का गुड़ी मार के, देखिए सर मरचाई का लगा हुआ है, मरचाई गुड़ी मार के आंधा कर दिया हमको और टांगी से पीछे मारा।